गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 15 नवंबर 2019 और हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके पूरे दिन की होगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले टाइम में है तो। और हम आपसे आखिर में पूछेंगे दो सवाल, उसका भी जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछ रहा है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शंस है, तो यह मनाया जाता है 14 नवंबर को, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो और भी सवाल होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है, तो उसमें 2019 का थीम क्या था। आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है। तो 2019 का यहाँ पे जो थीम था वह था आपका फैमिली एंड डायबिटीज़। तो ये जो है फैमिली एंड डायबिटीज़ थीम थी, इसका यहाँ पे पिक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फैमिली एंड डायबिटीज़, थीम है आपका द फैमिली एंड डायबिटीज़। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ऑब्जर्व्ड ऑन 14 नवंबर एवरी ईयर। तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि इसका थीम है फैमिली एंड डायबिटीज़, बट आपको क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। वो और क्या हो सकता है कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को हम कब से मना रहे हैं, तो 1991 से मना रहे हैं। और यह जो है किसके द्वारा मनाया जा रहा है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO एंड इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन यानी IDF के द्वारा संयुक्त रूप से इस चीज़ को मनाया जा रहा है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करें, इस कारण मैं आपको बता दूँ, 14 नवंबर को सभी को पता है कि चिल्ड्रंस डे होता है। अब बिकॉज़ बच्चे को चॉकलेट्स पसंद होते हैं एंड मीठा पसंद होता है और मीठा से डायबिटीज़ होता है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस न्यायमूर्ति ने मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली। कह रहे हैं कौन से न्यायमूर्ति ने मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है, तो वो हैं आपके मोहम्मद रफ़िक, यानी ऑप्शन नंबर ए। इनके बारे में अगर और भी जानकारी लिया जाए तो यह जो आपको यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, सेकेंड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि मोहम्मद रफ़िक मेघालय के न्यायमूर्ति से पहले कहाँ के न्यायमूर्ति थे, तो राजस्थान हाई कोर्ट के थे। उसके बाद जो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मेघालय में मोहम्मद रफ़िक जो बने हैं वो उन्होंने किसकी जगह ली है, तो उन्होंने जगह ली है अजय कुमार की। तो जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे आपको मोहम्मद रफ़िक शपथ लेते हुए हैं। तो इनके इसके बारे में और जो आपका क्वेश्चन हो सकता है, बिकॉज़ मैंने आपको बताया कि जो भी आपके स्टेट्स चर्चा में रहेंगे वहाँ के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर एंड आपको कैपिटल पूछा जाता है। तो यहाँ पे मेघालय की बात हो रही है, तो मेघालय के कैपिटल होता है शिलोंग एंड वहाँ के जो गवर्नर होते हैं वो हैं तथागत राय एंड वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा। एंड आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी शपथ कौन दिलाता है, बिकॉज़ हमने इसके पहले भी करंट अफेयर्स के वीडियो में इस चीज़ को बताया है। तो अगर आपने हमारे सारे वीडियोज अच्छे तरीके से देखा होगा तो आपको इसके आंसर्स पता होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वरिष्ठ नारायण सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे। कह रहे वरिष्ठ नारायण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया वे कौन थे, तो वो थे एक गणितज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये क्यों इतना फेमस है ये आपको बता दूं मैं, यहाँ पे इस फिगर में आप दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको वरिष्ठ नारायण सिंह की पिक्चर दी गई है। ये जो है अपने जीवन के अंतिम समय में लुप्त हो गए थे, किसी को नहीं पता था, गुमनाम जिंदगी जी रहे थे। तो यहाँ पे जो है इनका जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1942 को एंड उनका डेथ हुआ था 14 नवंबर 2019 को, उनका डेथ हो गया। ये सबसे ज़्यादा फेमस क्यों हुए, तो ये इसलिए फेमस हुए बिकॉज़ इन्होंने जो है
आइंस्टीन के सापेक्ष जो सिद्धांत थी उसे उन्होंने चुनौती दी थी। उसके बाद इनके बारे में कुछ और भी बातें लिखी गई है, उसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जैसे कि नासा में अपोलो मिशन की लॉन्चिंग के दौरान 30 कंप्यूटर बंद हो गए तो वरिष्ठ नारायण ने पेन से कैलकुलेशन कर दी थी। फिर आपको कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जे कैली ने वरिष्ठ की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अमेरिका ले चले गए। मैथ में रेयरेस्ट जीनियस कही जाने वाली गॉस की थ्योरी को भी उन्होंने चैलेंज किया था। गॉस की थ्योरी को किसने चैलेंज किया था? तो वरिष्ठ नारायण सिंह ने। तो ये कारण ये फेमस थे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज से किसे हाल ही में नवाजा गया है? कह रहा है ब्रिस्ट यंग इनोवेटर प्राइज, जिसका हिंदी हुआ ब्रिक्स युवा नवोन्मेषक पुरस्कार, इसे हाल ही में किसे नवाजा गया? तो रवि प्रकाश के, इन्होंने जो है इंडिया की तरफ से बहुत ही अच्छा काम किया, इंडिया का नाम रोशन किया ब्रिक्स में। ब्रिक्स जो है आप सभी को पता है एक सम्मेलन था, यह आपका चला था कब से कब तक? तो 6 to 8 November 2019 को कहाँ चला था? तो ब्राज़ील में। यहाँ पे जो और भी बातें थी वो क्या था कि ब्राज़ील में चली थी और ब्रिक्स में कितने कंट्रीज़ हैं? तो 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से थे रवि प्रकाश, जो कि आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो बिहार से बिलोंग करते हैं। उनकी आपको पिक्चर यहाँ पे देखने को मिल रही है और इन्हें $25 की प्राइज मिली है ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज फर्स्ट प्लेस में। इन्हें यह प्राइस क्यों मिली है? तो कच्चे दूध का तापमान आधे घंटे में ये 37 डिग्री से 60 डिग्री करने वाली प्रौद्योगिकी का इन्होंने निर्माण किया है, तो इस कारण इन्हें यह प्राइस मिला है। तो इसके बारे में आपको जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ये जो प्राइस मिला है वो किन्हें मिला, तो रवि प्रकाश को मिला। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो बिहार से बिलोंग करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका होगा कि बिहार बिकॉज चर्चा में आ गया, तो बिहार की कैपिटल पटना एंड बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एंड बिहार के गवर्नर हो गए आपके फागू चौहान। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नौसेना द्वारा किस पहली महिला अधिकारी को नेवल अटैची के रूप में विदेश में तैनात किया जाएगा? कह रहे हैं नौसेना जो है कौन सी महिला अधिकारी को नेवल अटैची के रूप में विदेश में तैनात करेगी? तो करबी गोगोई को, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये आपके कहाँ से बिलोंग करती है? तो असम से बिलोंग करती है। यहाँ पे आपको उनका पिक्चर देखने को मिल रहा है, ये फर्स्ट वुमेन असिस्टेंट नेवल अटैची भी हैं। तो यहाँ पे जो और भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि करबी गोगोई कहाँ से बिलोंग करती है, तो असम से बिलोंग करती है। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा कि इन्हें विदेश में तैनात किया जाएगा, तो विदेश में कहाँ तैनात किया जाएगा? तो मॉस्को, मॉस्को कहाँ पड़ता है? तो रूस में पड़ता है। एंड रूस की बात हो रही है तो रूस की आपको मुद्रा पता होना चाहिए, तो वो है रूबल। अब इसके अलावा इन्हें तो भारतीय नेवी द्वारा रूस में असिस्टेंट नेवल अटैची के रूप में किया गया, फिर डिप्टी एयर अटैची के रूप में किसे रखा गया? डिप्टी एयर अटैची, यहाँ से आपको भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो डिप्टी एयर अटैची के रूप में रखा गया है अंजलि सिंह को। फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि ये वहाँ जाने से पहले कहाँ कार्यरत थी? तो कर्नाटक के नेवल इंजीनियर में यह कार्यरत थी। यहाँ से आपको इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज नरेंद्र मोदी जो है ब्राज़ील गए हुए थे। वहाँ पे आपको जैसा कि हमने ऊपर देखा कि रवि प्रकाश को यह अवार्ड मिला, तो इस चीज़ में सम्मेलन में ब्राज़ील में हुआ था, तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी भी गए हुए थे। उनका पिक्चर आपको देखने को मिल सकता है। ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने मिला ब्रिक्स सम्मेलन में, जो 2 दिनों की सम्मेलन चल रही थी। तो यहाँ से जो आपके और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्या बनेंगे? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति के बारे में, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो, जो कि इस बार आपको गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि होंगे। तो यहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 1548 करोड़ रुपए की फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है? कह रहा है कौन से स्टेट के गवर्नमेंट ने 1548 करोड़ रुपए की फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क
परियोजना को मंजूरी दी है तो केरल की यानी कि आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर देख सकते हैं, यही है आपका केरल का प्रोजेक्ट जो कि 1548 करोड़ रुपए की फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना है। इसके तहत यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके तहत आपको उद्देश्य क्या है, तो आपको क्वेश्चन हो सकता है कि कितने गरीब परिवारों को यह हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्रदान करेगी, तो 2 मिलियन गरीब परिवारों को। उसके बाद यहाँ पे जो और भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि इस परियोजना से केरल को क्या लाभ मिलेगा, तो यह परियोजना जो है केरल राज्य बिजली बोर्ड और केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहयोगात्मक पहल है। तो किसकी किसकी पहल है ये आपसे पूछ सकता है, तो बिजली बोर्ड और केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की पहल है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, उच्चतम न्यायालय ने किस लड़ाकू विमान सौदा मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि पूर्ण विचार याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है। कौन सा विमान लड़ाकू विमान सौदा था, तो राफेल था यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके अंतर्गत जो है 36 राफेल, यहाँ पे जो आपका 36 राफेल विमान जेट को यहाँ पे आपको लाने के बारे में सोचा गया था, तो इस 36 राफेल विमान जेट को यहाँ पे हम देख लेते हैं, उसके पिक्चर को यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये जो है खौफ का दूसरा नाम राफेल इसे कहते हैं बिकॉज यह जो है रूस समय दे रहा था और ये 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का निर्णय लिया गया था। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दिया है। तो ये राफेल क्या है, तो यह जो है मिशन पर भेजे जा सकने वाले राफेल जेट में 2 इंजन मौजूद होते हैं। इसमें कितने इंजन होते हैं ये आपको क्वेश्चन होगा, तो 2 इंजन होते हैं। फिर मेटेयर मिसाइल ले जाने में यह सक्षम है। इसकी अधिकतम स्पीड कितनी है यह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो 2130 किलोमीटर पर आवर। और इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो 3700 किलोमीटर। फिर यहाँ से यह आसानी से कितना वजन उठा सकता है, तो 24500। और वजन उठाने के साथ 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान भी भर सकता है। इसमें हवा से ज़मीन पर मार करने वाली स्क्रैप मिसाइल के साथ परमाणु हथियार भी ले जा सकते हैं। और जो यहाँ पे बात है कि 4.5 जनरेशन ट्विन इंजन से लेस राइफल राफेल महज 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई भी छू सकता है। तो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको इस पिक्चर में हमने कलेक्ट करके दे दिया है, बिकॉज ये यहाँ इस पिक्चर में जो भी पॉइंट्स है वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुना गया है। कह रहे कौन से भारतीय को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुना गया है, तो नीता अंबानी को यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपको फिगर दिख सकता है और ये जो नीता अंबानी के फिगर के पीछे जो है वही है आपका मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट। तो ये जो है इसकी चेयरपर्सन बनी है और यह जो है न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आईसीसी ने वेस्ट इंडीज के किस विकेट कीपर बल्लेबाज को गेंद की स्थिति बदलने का दोषी पाए जाने के बाद 4 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए बैन कर दिया है। कह रहा है आईसीसी ने वेस्ट इंडीज के किसी विकेट कीपर को स्थिति बदलने का दोषी पाए जाने के बाद 4 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए बैन कर दिया है, उनका नाम क्या है, तो निकोलस पूरन यानी ऑप्शन नंबर ए। यह कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वेस्ट इंडीज से। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि ये किसके खिलाफ मैच खेलने के बाद खेल रहे थे, तो इन्हें यह पकड़ा गया तो अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने पर तीसरे वनडे में। उसके बाद जो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि यह जो है आईसीसी की कौन सी आचार संहिता के नियम के उल्लंघन का आरोप है, तो 2.14 का। फिर जो आपको क्वेश्चन हो सकता है कि ये कितने इंटरनेशनल T20 मैच नहीं खेल सकते, तो 4। और इनके खाते में कितने नेगेटिव मार्क्स जोड़े गए हैं, तो 5 नेगेटिव मार्क्स जोड़े गए हैं। तो ये थे हमारे आज के 10 करेंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं, हमने आपसे कल 2 सवाल पूछा था जिसके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही सही जवाब भी दिए थे, तो चलिए देखते हैं उन कल के 2 सवालों को। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है,
तो जो लोग भी हमारे डेली के करंट अफेयर्स देखते होंगे तो उनसे ये सारे क्वेश्चंस नहीं मिस हो रही होगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा, कौन से देश की नौसेनाओं के बीच समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास चल रहा है? तो ये आपका चल रहा है इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच। इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी थी, जैसे कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, नौसेना के अध्यक्ष कौन है, ये सारे चीज़, तो ये सारे हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो आई होप आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको इसके विस्तृत जानकारी पता होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फ्रांस ने किस देश को हराकर फेड कप 2019 का खिताब जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता था। फेड कप आपका होता है किस गेम में? तो वुमन टेनिस में होता है। ऑस्ट्रेलिया को कितने से हराई थी? तो 3-2 से इन्होंने हराया था। इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन के लिए आप हमारे करंट अफेयर्स के डेली वीडियोस प्रीवियस जरूर देखो। तो चलिए देखते हैं अब आज के दो सवाल जिसके आंसर्स आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो चलिए देखते हैं, और साथ ही साथ इसके बारे में जो भी आपको डिटेल जानकारी हो वो भी आप हमें जरूर कमेंट करो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गेंदबाज हाल ही में जारी आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं? कह रहे कौन से गेंदबाज जो हैं आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं? जसप्रीत बुमराह, मुजीबुर रहमान, राशिद खान या भुवनेश्वर कुमार? तो आंसर्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, वो भी डिस्क्रिप्शन के साथ, ताकि आपका रिविज़न हो जाए और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंजनी कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? नीदरलैंड, माली गणराज, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे इसके आंसर जो है इन दो क्वेश्चंस का आपको कल के वीडियोस में मिल जाएगा, तो आप कल के वीडियो भी ज़रूर देखिएगा इसके आंसर्स के लिए। साथ ही साथ ऐसे ही डेली के करेंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।